भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समग्रता में इसको कर रहे हैं। मैं केवल आपसे प्रार्थना करूंगा, जब भारत के बजट को पेश करते हुए भारत के वित्त मंत्री ने कहा प्राथमिकताओं का निर्धारण, और उन्होंने प्राथमिकताओं के निर्धारण में क्या कहा, मैं इस व्यापक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को 10 विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। किसान, हम किसानों की आय को अगले 5 वर्षों में दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, ग्रामीण आबादी, रोजगार और बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना। ये जो हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग हैं, जो आजाद भारत में उपेक्षित रहे, उपहासित रहे, पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे, अब उनके ओर अगर सरकार का ध्यान गया है, श्री नरेंद्र मोदी उनके जीवन में उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण लाना चाहते हैं, सुख लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, उनके खेत में हरियाली लाना चाहते हैं, चेहरे पर लाली लाना चाहते हैं, घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो आज भी हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोग भी मानसिकता वाले हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का रूपांतरण नहीं हो, हिंदुस्तान की न दिशा बदले, न हिंदुस्तान की दृष्टि बदले, न नेता का संकल्प बदले। नेता होते हैं, नीति होती है और नियत होती है। नेता बहुत बढ़िया हो, विलायती भाषा बोलने वाला हो, देश विदेश घूमने वाला हो, उसकी नीति भी खूब बखाने, लेकिन नियत अगर खराब हो तो कहीं पर निशाने, कहीं पर निशाना, बात बोलेगा किसी की, काम करेगा किसी की। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा सदन से कि इस पर गंभीरता पूर्वक सोचे। जब उन्होंने कृषि को प्रथम प्राथमिकता दिया, बजट में प्रथम स्थान दिया, तो ये सब बातें हिंदुस्तान में आई। एक है समस्या, कारण और कारण का निदान। चौधरी चरण सिंह ने किताब लिखे थे, भारत की भयावह अर्थनीति, उसका कारण और निदान, उसे विस्तार से व्यापक से उन्होंने चर्चा की थी। और मैं सभी वैज्ञानिकों को भी कहूंगा, कृषि मंत्रालय के लोगों से कहूंगा, अफसरों से कहूंगा कि उस किताब को आप पढ़िए, उससे आपको इसमें रोशनी मिलेगी। समस्या किसने पैदा की? जब जब मैं इन बातों को उठाता हूं, इसलिए उठाते रहा हूं कि बार बार कह आपन हेतु भारत के मन रहे न चेतु। हम पीड़ित हैं, इसलिए बार बार इसको उठाते हैं कि किसी का ध्यान इस ओर जाए। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि प्रथम बार भारत के कृषि, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस ओर गया है। हम उस समय से आवाज लगाते आ रहे थे, मिथिलांचल में अपनी भाषा में गाते थे, कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावल, सुख सपनहु नहीं भेल हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। लेकिन मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ ने मेरे इस गीत को सुन लिया, मेरे मिथिलांचल की दर्द की कहानी को, और कहा कि तुम हमें पुकारते हो, किसी दिन हमारा ही प्रतिनिधि दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो तुम्हारे कष्ट को दूर करेगा। इसीलिए काशी विश्वनाथ के प्रतिनिधि आज हमारे दर्द को सुने हैं और उसका निदान निकालने चले हैं। कि कोई भारतीय बाहर संकट में हो और ये सरकार चुप्पी साध ले, ये संभव ही नहीं है, ये हमारी कार्यशैली ही नहीं है। पूरा सदन और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि अगर एक भी भारतीय संकट में आता है तो हम 24 घंटे के अंदर उसकी पीड़ा का निराकरण हो इसका प्रयत्न करते हैं।